वेलकम टू अनुज क्विक रेसिपीज एंड लाइफस्टाइल। आज की हमारी रेसिपी है गोली इडली की रेसिपी। जी हाँ, ये एक ऐसी इडली की रेसिपी है जिसमें ना हमें सोडा डालने की ज़रूरत है, ना यीस्ट, और कुछ भी नहीं डालना है हमें, पर फिर भी बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही स्वादिष्ट और इंस्टेंट मिनटों में रेडी हो जाने वाली एक रेसिपी। तो फटाफट बनाना शुरू करते हैं। इसके पहले आप मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। तो सबसे पहले एक कढ़ाई में हम ले लेंगे एक कप पानी और उसमें डालेंगे 2 चम्मच घी। इसको उबाल आने देंगे, फिर इसमें डालेंगे हम नमक स्वाद अनुसार और इसको अच्छे से उबलने देंगे। जब इसमें अच्छे से उबाल आ जाए तो हम इसमें डालेंगे 1 कप चावल का आटा, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और फ्लेम को एकदम कम करके इसको हम मिलाते जाएंगे इस तरह से। फिर हम इसको ढक कर रख देंगे करीब 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। 5 मिनट बाद आटा जो है हमारा थोड़ा सा मॉइस्ट, थोड़ा सा इसमें एक मॉइस्चर आ जाएगा, तो हम इसको एक दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे और दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करके, क्योंकि ये गर्म है, पहले मैं इस चम्मच की मदद से इसको थोड़ा सा मिला लेती हूँ और फिर हाथों से अब हम इसे अच्छी तरह से गूंथ कर इसका एक डो बनाएंगे। ज़रूरत पड़ेगी तो थोड़े थोड़े से गर्म पानी के छींटे आप दे सकते हैं। अच्छे से हमें इसको डो बनाना है। ये देखिए डो बन गया। अब इसके छोटे छोटे से पोर्शंस लेने हैं हाथ में और इस तरह से रोल करके हमें लड्डू जैसा एक गोल गोल सा शेप देना है इसका। इसी तरह से सारे डो को हम बना लेंगे। फिर एक कढ़ाई में या स्टीमर में आप करना चाहें तो स्टीमर में पानी गरम करके इसको हमने 10 मिनट तक स्टीम कर लेना है। इस तरह से हम इसमें सब डाल देंगे और ढककर स्टीम करेंगे हम 10 मिनट तक। 10 मिनट के बाद इसको खोलेंगे और खोल के चेक करेंगे कि ये हमारा जो है वो पूरी तरह से पक गया है कि नहीं। तो ये बिल्कुल पक चुका है। अब हम लगाएंगे इसमें तड़का। तो तड़के के लिए हमने लेना है थोड़ा सा तेल। उसमें डालेंगे हम 1/2 चम्मच चने की दाल, 1/2 चम्मच उड़द की दाल धुली हुई। हल्का सा तड़कने देंगे। डालेंगे इसमें हम 1 चम्मच सफ़ेद तिल, 1/2 चम्मच सरसों के दाने, 1 सूखी लाल मिर्च। हल्का सा स्टर करना है हमें। डालेंगे कुछ करी पत्ते और हम डालेंगे 1 इंच अदरक ग्रेट किया हुआ, बारीक कटी हुई हरी मिर्च। आप चाहे तो थोड़ा सा हरा धनिया भी डालें। और अब इसमें हम हमारी स्टीम की हुई गोली इडली को डालकर अच्छे से करेंगे मिक्स। तो एक सुंदर सी मिक्स देनी है हमें। इसको अच्छे से कोट कर लेना है इससे और फिर ढककर इसको हमने लो फ्लेम पे 2 मिनट पकाना है। 2 मिनट बाद इसके फ्लेवर्स अब्सॉर्ब हो चुके हैं और ये है सर्व करने को बिल्कुल तैयार। उम्मीद करती हूँ पसंद ज़रूर आएगी ये झटपट बनने वाली स्वादिष्ट रेसिपी। फिर मिलेंगे एक ऐसी ही रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और देखते रहे अनुज क्विक रेसिपीज एंड लाइफस्टाइल।